चॉकलेट बनाने का व्यवसाय, ये होममेड चॉकलेट जो ब्रांडेड चॉकलेट होती है उन्हीं के बराबर इनकी सेल होती है। और इसमें बस ज्यादा कुछ नहीं लगना है, आप चाहें तो इसमें एक FSSAI का लाइसेंस ले लें और स्टार्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। तो मैं कहना चाहूंगी जो भी हमारे नए व्यूअर हैं जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं। ये जो आप देख रहे हैं ये कहलाते हैं चॉकलेट के स्लैब, और ये स्लैब आपको आसानी से हर सिटी में मिल जाएंगे, क्योंकि ये केक पुडिंग ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनके बनाने के काम में आते हैं। और ये स्लैब 500 ग्राम की पैकिंग में आपको आसानी से मिल जाएंगे। ये कई ब्रांड के मार्केट में उपलब्ध होते हैं और इनकी जो प्राइस है वो लगभग 160 रुपए किलो से स्टार्ट हो जाती है। इसकी प्राइस जो है मैं अभी वीडियो में दिखाऊंगी। और अगर आप इनको लूज पैकिंग मतलब यानी आप ब्रांडेड पॉलीथिन में ना लेके आप इनको अगर ट्रांसपेरेंट पॉलीथिन में अगर खरीदते हैं तो ये आपको थोड़े और सस्ते मिल जाएंगे। ये कई फ्लेवर में आते हैं, मेनली डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड और व्हाइट कंपाउंड सबसे ज़्यादा यूज होता है। इन्हीं से आप हर तरह की चॉकलेट बना सकते हैं। ये सिलिकॉन और ये प्लास्टिक के जो मोल्ड हैं ये आपको अपनी सिटी के क्रॉकरी वालों पे आपको आसानी से मिल जाएंगे। अगर आपको नहीं मिलते हैं तो आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी डिज़ाइनें आती हैं। आप जैसी चाहो, जैसी आप चॉकलेट बनाना चाहो उस टाइप की डिज़ाइन आप परचेज करें और आप इसमें चॉकलेट बनाएं। अगर आप इस व्यवसाय को बड़े स्तर पर करना चाहते हैं तो इसमें आप एक FSSAI का लाइसेंस ले लें। अगर आप खाने पीने से संबंधित कोई भी व्यवसाय करते हैं तो ये लाइसेंस तो आपको लेना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसको कट कर लेते हैं। ये हमारी डार्क कंपाउंड है, इन स्लैब्स के आप छोटे छोटे पीस कर लें क्योंकि जिससे मेल्ट करने में बहुत आसानी रहेगी। इन स्लैब्स को पिघलाने के लिए आपको डबल बॉयलर यूज करना है, और नहीं तो आप इस तरह से जुगाड़ भी बना सकते हैं। ये हमने पानी गर्म करने के लिए रख दिया है इसमें। ये हमारी मेल्ट होना शुरू हो गई है, जो बहुत अच्छे से पूरी मिक्स हो जानी चाहिए इनमें। ये हमारी चॉकलेट जो अच्छे से घुल जाएगी तो उसके बाद हम इसकी चॉकलेट बनाएंगे। थोड़ी थोड़ी देर के लिए इसमें चलाना है जिससे ये बर्तन में लग ना जाए। अब हमारी जो अच्छे से दोनों चॉकलेट मेल्ट हो गई हैं, ये भी देखो इस तरह से अच्छे से मिक्स हो जानी चाहिए। अब हम इनको बाहर निकालते हैं। Hmm, kita mau dalam
अब हम इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख देते हैं। बस मैं इसमें दो कलर से डिजाइन बनाना सिखा रही हूँ। और भी आप जितनी अच्छी इसमें चॉकलेट बनाओगे, जितनी अट्रैक्टिव आपकी डिजाइन होगी, उतनी ही ज्यादा ये आपकी मार्केट में सेल होगी और डिमांड भी अच्छी इसमें क्रिएट होगी। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कलरफुल चॉकलेट, ड्राई फ्रूट्स की चॉकलेट, तो आपको इस तरह की अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। जी हमारी ठंडी हो चुकी है, अब हम इसको निकालेंगे। आप इनको पन्नियों में भी पैक कर सकते हो, और सिल्वर फॉयल आती है उसमें भी इनको रैप करके और उसके बाद पन्नी में भी आप पैक कर सकते हो। इस टाइप के डिब्बे आते हैं, इनमें भी आप भर सकते हो। इस टाइप के आते हैं और इस टाइप के बॉक्स में भी इनको भर के और आप मार्केट में सेल कर सकते हो। तो कैसी लगी आपको हमारी चॉकलेट? जैसे जैसे आप चॉकलेट बनाएंगे तो इसमें और ज्यादा परफॉर्मेंस अच्छी आएगी और अच्छी अच्छी डिजाइनें भी आराम से आप बना सकते हैं, क्योंकि चॉकलेट ज्यादातर सभी को पसंद होती है और इसकी मार्केट में काफी अच्छी सेल भी है। तो बनाइए और मार्केट में सेल कीजिए। और आप हमारी वीडियोज को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए ऐसी और वीडियोज के लिए। बाय बाय, मेक इन इंडिया।